स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। और सूचना ये है कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस अब त्रिवेणी पर भी बैच प्रारंभ कर रहा है, जिसकी शुरुआत 15 जून 2022 बुधवार से हो रही है। वापस रिपीट कर दूं, 15 जून 2022 बुधवार से सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो ये जो बैच है ये स्टूडेंट की विशेष मांग पर त्रिवेणी पर किया जा रहा है, और ये बिल्कुल जो आपके संस्थान है VIPM हो गया, चौधरी क्लासेस हो गया, उनके बिल्कुल आगे रीजनिंग वर्ल्ड है, वहां पर ये क्लास होगी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो, 15 तारीख को आप सभी का स्वागत है, आप आमंत्रित हैं। इस सूचना के बाद अब हम टॉपिक पर चलते हैं। राजस्थान में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं है अन्य राज्यों में भी हुए हैं, उनकी बात करूंगा मैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकेले इससे काम नहीं चलेगा कि हम सिर्फ नाम याद कर लें, बात खत्म, ऐसे नहीं होगा। हमें इस टॉपिक को विभिन्न एंगल से देखना पड़ेगा, और इस प्रकार की जानकारी हमें पुराने सालों के पेपर देते भी हैं, उसी को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इसमें क्वेश्चन में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको दिग्भ्रमित कर दे, लेकिन यदि उसके एंगल को उसने बदल दिया तो फिर आप गच्चा खा जाओगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आसान तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है, देखते हैं हम इसमें कितना सफल हो पाते हैं। फिलहाल आप गंभीरता से इसको देखें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। राजस्थान में जो राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं, उस स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हमें राज्यसभा को जानना पड़ेगा। अब ये राज्यसभा क्या है, बहुत बड़ा वाइड एरिया है ये। भारत में संसद सर्वोपरि होती है, आप जानते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यदि हम संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इनमें से जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं राज्यसभा की बात करने जा रहा हूं। हालांकि आने वाले समय में राष्ट्रपति भी हमारे लिए एक टॉपिक होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो अपने आप में वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, हम उसको भी लेके चलेंगे। लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर है वो राज्यसभा को समर्पित है। आइए शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा हमें क्या है, पुराना नाम, पहली बार, न्यूनतम आयु, इन पर गौर करना पड़ेगा। एक तो यदि मैं आपसे कहूं संविधान के संबंध में, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख देखने को मिलता है। आर्टिकल 80 और क्या है, देखिए आप जानते हो कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और ये जो संघात्मक व्यवस्था है भारत में, ये केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विषय बने हुए हैं। आप जानते ही हो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ऐसे विषय बने हुए हैं। मोटे तौर पर यदि मैं बात कहूं तो ये कह सकते हैं हम कि संघात्मक व्यवस्था के तहत ये जो राज्यसभा है राज्यों को केंद्र में लीड करती है। एक लाइन लिख दीजिए, संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम बोलते हैं, राज्यसभा राज्यों का केंद्र में प्रतिनिधित्व करती है।
उच्च सदन के नाम से इसको जानते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पुराना नाम मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, लोकसभा के संबंध में पूछा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसका पुराना नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसे 1954 में बदलकर राज्यसभा किया गया। लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल था, उसको भी 1954 में बदलकर लोकसभा किया गया था। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अब देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 डेट है, थोड़े ध्यान रखें। इसी तरीके से बैठक की डेट भी आपको याद रखनी है, 13 मई 1952 को। अब आपको यहां पर एक होमवर्क दे रहा हूं और मुझे उसके बारे में आप बताना। जैसे बैठक की बात कर लो चाहे गठन की बात कर लो, बेसिकली बैठक की बात ज्यादा होती है, ध्यान रखना, इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो आप गणितज्ञ तो हुई, 13 मई 2022 को कितने वर्ष पूर्ण हुए, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। 13 मई 2022 को जितने वर्ष पूरे होंगे वही गठन के भी हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये न्यूनतम आयु जो होती है, देखो वैसे तो योग्यताएं बहुत होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वहां मैं नहीं जा रहा, वो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको बता दिया जाता है। यहां हम इसको करंट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से मैं मूल बातों को ही ले रहा हूं। सारी बातें यहां करने लगे तो राज्यसभा तो 2 दिन का टॉपिक होता है, कैसे कर पाएंगे फिर हम। तो यहां मैं मूल बातों को लेकर चल रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए आप, इसकी जो न्यूनतम आयु है वो होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है, ध्यान रखना। और ये आर्टिकल आप ध्यान रखिए विशेष रूप से, तो संघात्मक व्यवस्था के तहत राज्यों को केंद्र में लीड करती है, इसका ये काम होता है। और उच्च सदन है ये, इसके अलावा गठन और बैठक आपको बता दी, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, एक बार आप इसे नोट कर। राज्यसभा में सदस्य, इनकी बात करेंगे हम, सदस्य कह दीजिए चाहे आप संगठन कह दीजिए, एक ही बात होता है, कंपोजिशन या सदस्य मेंबर, ये कह सकते हो, सीटें भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दो बातें डिसाइड करेंगे, एक तो अधिकतम सीटें कितनी है, अधिकतम सीटें कितनी है, अधिकतम का मतलब ये होता है इससे ऊपर नहीं जा सकते, जिसके लिए बकायदा 2026 निर्धारित किया हुआ है, मतलब 2026 तक यही रहेगी और इतनी ही रहेगी, यदि इसमें परिवर्तन होगा तो बाद में होगा। अधिकतम सीटें मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, अधिकतम का मतलब ये होता है। और आपके क्वेश्चन भी यही बनता है, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है और वर्तमान सीटें, ये कितनी है, वर्तमान मतलब करंट स्टेटस क्या है, आज की डेट में कितनी है। तो ध्यान रखें ये जो अधिकतम सीटें हैं ये तो होती है 250 और वर्तमान सीटें हैं 245, 245, 245। अब ये जो अधिकतम सीटें हैं और वर्तमान सीटें हैं इनमें भी हमें कुछ डिवाइडेशन करना है, एक तो निर्वाचित कितने होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं, निर्वाचित
राज्यित मतलब इलेक्टेड, चुनाव कितनों का होता है, चुने कौन जाते हैं, और एक होता है मनोनीत, इसको नॉमिनेटेड बोलते हैं, नॉमिनेट कितने होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। यहां भी है निर्वाचित और यहां भी है मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। अब आप ध्यान से समझना इस बात को, देखिए जिनका चुनाव होता है वो तो है 238, और मनोनीत होते हैं 12, हो गया ना 250। उसी तरीके से उधर जो है निर्वाचित ये 233 और ये 12, दोनों मनोनीत तो सेम है लेकिन निर्वाचित अलग अलग है। दोनों मनोनीत के बारे में आपको बता दूं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और चार क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, चार क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, चौथा है समाज सेवा, सोशल सर्विस। ये चार क्षेत्र इसके अंदर आते हैं और ये जो 238 है इसमें ये कहां से आते हैं, कुछ राज्यों से आते हैं। कितने राज्यों से? 28 राज्यों से। और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आप देख लीजिए केवल 3 यूनियन टेरिटरी है वहां से आते हैं, औरों में से नहीं आते। दिल्ली है, पुडुचेरी है और J&K है 2019 के बाद में। दिल्ली, पुडुचेरी और J&K, ये होगी सारी बात, केवल इनमें से ही आते हैं, औरों में से नहीं आते। एक तो राज्य 28 वहां से आते हैं और यूनियन टेरिटरी 3, दिल्ली, पुडुचेरी, J&K वहां से आते हैं। 238 सदस्य हैं। आप कह सकते हो 29, 30, 31 भारत के 31 क्षेत्रों से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा अधिकतम, क्लियर। मनोनीत 12 ही होते हैं, उधर भी निर्वाचित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। यदि मैं आपसे कहूं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, 250, राज्यसभा में वर्तमान सीटें कितनी है, 245, राज्यसभा में अधिकतम सीटों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 238, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12, ये तो वैसे ही है, क्लियर। एक ये भी ध्यान रखना, वर्तमान सीटों में से निर्वाचित सीटें कितनी है, वर्तमान सीटों में से निर्वाचित सीटें कितनी है, 233। ये जो जाल है इस जाल को सोल्व करना है, यही बेहतरीन चीजें होती है ध्यान रखना। स्टूडेंट अक्सर क्या है, पढ़ने पढ़ता जाता है, पढ़ कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, और इसी चक्कर में वो मूल बातों को भूल जाता है। पूछता कुछ है, बता कुछ देता है। याद कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट, मैंने आपको वहां पर एक पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन कराया हुआ है, पटवारी 2011 में आया था, आप देखना उसे, पटवारी 2011 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये बातें हो, उसी को आधार बनाकर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। तो बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें, चार क्षेत्रों से कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से आते हैं। तो वर्तमान सीटें, अधिकतम सीटें नोट कर लीजिए। अब कहां पर सीटें ज्यादा है, कहां पर कम है, उनकी जानकारी और ले लेते हैं।
सर्वाधिक सीटें यूपी के पास है, आप जानते हैं 31। एक सीट वाले क्षेत्र कौन से हैं? लोकसभा के संबंध में इसी टाइप का क्वेश्चन आरएस 2016 में आ चुका है। उसने पूछा कि लोकसभा के क्षेत्र जिनमें केवल एक सीट है, इस तरीके का क्वेश्चन था। ये कौन कौन से हैं, नाम ध्यान रखें। सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी। तो यहां पर राज्यसभा की एक ही सीट है, समझ में आई बात सारी। अब जीरो सीट वाले क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली, J&K व पुडुचेरी को छोड़कर सभी यूनियन टेरिटरीज। मैं ध्यान रखना यहां पर छोड़कर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा है तो यहां पर राज्यसभा की सीटें आएगी, समझ में आई बात। तो दिल्ली, J&K, पुडुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जीरो सीट्स है, अर्थात इनके अलावा जैसे मैं आपसे कहूं कि लद्दाख में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो जीरो। आपसे कहूं चंडीगढ़ में कितनी है, जीरो। आपसे कहूं अंडमान निकोबार में कितनी है, जीरो। ऐसे क्लियर। आइए राजस्थान में सीटें कितनी है, राजस्थान में है 10। खूब पूछी जाती है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो पूर्ण रूप से गच्चा खा जाओगे। खूब आया हुआ है क्वेश्चन, ये है भारत का वह राज्य जिसमें राजस्थान की तरह राज्यसभा में 10 सीटें हैं। भारत का वह राज्य जिसमें राजस्थान की तरह राज्यसभा में 10 सीटें हैं। दो मिनट सोच के देखो कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या। मैंने तो खूब बताया हुआ है, ध्यान रखना। ये है ओडिशा, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओडिशा, तो ओडिशा में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। क्लियर, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। चुनाव कैसे होता है, आपके सामने है अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से चुनते हैं, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ये होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब देखिए बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है इसका, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बता चुका है। यहां पर सिर्फ आप नाम याद रखें, बस एक छोटी सी बात है, गुप्त मतदान नहीं है, गुप्त मतदान नहीं है, गुप्त शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना।
यहाँ पर गुप्त शब्द का उल्लेख नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, गुप्त शब्द नहीं है यहाँ। क्लियर। आइए, मैं यहाँ पर राजस्थान की बात करना चाहूंगा, और राजस्थान की बात करने के लिए इसमें क्या है, जो कोटा निकालना होता है उसका एक सूत्र होता है, कोटा निकालने का सूत्र, मतलब कितने मत निकालने पड़ेंगे, कोटा निकालने का सूत्र। इंग्लिश वर्ड होता है ये कोटा, इसका फार्मूला क्या होता है बिल्कुल भी मत भूल जाना, और ये भी आपको बता दो, ये न्यूनतम कोटा होता है, न्यूनतम मतलब इतने मत तो आपको प्राप्त करने होंगे, इतने मत आपको प्राप्त करने होंगे। ये होता है मतदाताओं की संख्या, बटा जीतने वालों की संख्या। अब देखिए, ये जो जीतने वालों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, जीतने वालों की संख्या का मतलब क्या है, जीतने वालों की संख्या का मतलब ये होता है कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, या कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। क्योंकि यदि चार सीटों पर चुनाव हुए, जैसे राजस्थान में अभी चार सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो चार ही जीतेंगे, हालांकि कैंडिडेट तो पांच खड़े हुए, लेकिन जीते तो चार ही। तो जीतने वालों की संख्या वो होती है जितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, कैंडिडेट तो कितने भी खड़े हो जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो जीतने वालों की संख्या, ये ध्यान रखना, प्लस एक, और यहां भी प्लस एक, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कर दें, बिल्कुल भी नजरअंदाज, ध्यान रखना। मतदाताओं की संख्या अपॉन जीतने वालों की संख्या, प्लस एक, प्लस एक। अब मैं यदि राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में जब चुनाव होते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और आप कह सकते हो कि 2 वर्ष के बाद इसमें चुनाव होते रहते हैं 1/3 सदस्यों के। तो एक राजस्थान में जो चुनाव होते हैं, एक बार तो 3 सीटों के लिए होते हैं, और दूसरी बार 4 सीटों के लिए होते हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है राजस्थान। एक बार चुनाव होंगे तो 3 सीटों के लिए, दूसरी बार 4 सीटों के लिए, ऐसे अल्टरनेट होता है। इस बार जैसे 4 सीटों के लिए हुए, तो अगली बार दो साल बाद 3 सीटों के लिए होंगे। कार्यकाल बता देता हूं आपको, 6 वर्ष, ब्रैकेट में लिखना, प्रति 2 वर्ष के बाद इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, चुनाव होता रहता है। हमने चलते चलते लिखा है, तो थोड़ा ध्यान से आप बोल के लिख देना इसको, चुनाव होता रहता है। क्लियर, समझ गए। तो राजस्थान में जब चुनाव होंगे, एक बार 3 सीटों के लिए, दूसरी बार 4 सीटों के लिए, क्लियर होगी सारी बात। जैसे मैं राजस्थान के लिए कोटा निकालू, तो मैं कहूं कि मुझे राजस्थान के लिए कोटा चाहिए, इस बार का कोटा कितना है, तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, भाई चुनावकर्ता कौन है, ये जो चुनावकर्ता है ये राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है, राज्यसभा का जो चुनाव है राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है। क्लियर, यही सदस्य करते हैं। तो राजस्थान में मतदाताओं की संख्या कौन कितनी है, जब राज्य विधानसभा के सदस्य करेंगे
तो मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? मतदाताओं की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या है, तो टोटल कितने हो गए? 200। जीतने वालों की संख्या कितनी है? अब तीन और चार पर होता है, जिसमें से इस बार चार सीटों के लिए हुआ है, तो चार ही जीतेंगे जब चार सीटों के लिए हुआ है, तो प्लस एक। अब इसको करके देख लीजिए आप अखबारों में एक नाम पढ़ रहे होंगे कि न्यूनतम मत जो है 41 प्राप्त करने होंगे। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 41 ही आएगा, 41 आएगा, समझे बात को? ये चीजें हैं सारी। 5 हो गया 40 प्लस 1 41, तो जीतने के लिए जो मत चाहिए 41, न्यूनतम कोटा इतना तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, ये न्यूनतम कोटा होता है इसका। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा यदि उलझन पैदा हो रही हो तो एक बार दोबारा रिवर्स करके इसको देखना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसे नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है। शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखें आप, इनको शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति। ठीक, आइए, उपराष्ट्रपति आप जानते हो राज्यसभा का सभापति होता है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जवाब दोगे? मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनको तो मैं बता चुका हूं, और जो बच्चे नए हैं उस क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? संबोधित का मतलब यहां पर एड्रेस है, एड्रेस का। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। 3-4 बार आया हुआ है, मैं कह रहा हूं ना, इसके गलत करने की दर 70% है। ऑनलाइन ऑफलाइन के जो बच्चे हैं खूब अच्छे तरीके से बता चुका हूं, जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स में। क्लियर, नोट कर लो। राजस्थान में राज्यसभा सदस्य टोटल 10 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनेगा जो कि मेरिट तय करेगा वो ये करेगा कि वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है, मतलब राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं है, या कौन है, या कौन कौन है, कॉलम बना बना के दे देंगे, या ऐसे दे देंगे 4 लिख देंगे, फिर वे दे देंगे 1 वे 2 2 वे 3 3 वे 4, सभी ये बनेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें, ये नाम आपको याद होने चाहिए। 10 सीटें हैं, 4 सीटों पर चुनाव अभी हुए हैं, तो 6 पुराने हो गए। अब पुराणों के नाम आपको पता होना चाहिए, नीरज डांगी है, राजेंद्र गहलोत है, सी वेणुगोपाल है, डॉक्टर किरोड़ी लाल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पूर्व में रह चुके हैं आप जानते हो, भूपेंद्र यादव है, ये 6 नाम आपको पता होने चाहिए, नोट कर लीजिए। अब 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं आपके सामने, देखो मैं टोटल बता देता हूं, टोटल सीटें जो है 57
खाली थी। 57 सीटें पूरे भारत में और 15 राज्यों में। आप कह सकते हो कि 15 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव करवाए गए हैं 2022 में। क्लियर? तो 15 राज्यों में हुए, इसमें से निर्विरोध तो 41 चुन लिए गए और जिन पर चुनाव हुआ है वो 16 का है। ठीक है, ये भी एक अच्छा आंकड़ा होता है, ध्यान रखना। कई बार जो एग्जामिनर होता है इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है, चुनाव कितनों पर हुए हैं, निर्विरोध कितने चुने गए हैं, और आरपीएससी की तो हकीकत ही यही है, आप पेपर उठा के देखो। तो 15 राज्यों में निर्विरोध 41, चुनाव 16। अब आप देखिए इसमें से राजस्थान के कितने हैं, राजस्थान में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ प्रत्याशी जीत के लिए आवश्यक मत, कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है 4। कैंडिडेट कितने खड़े हुए, ध्यान रखना 5 कैंडिडेट खड़े हैं, सीटें 4, कैंडिडेट 5। अब ये जो 5 कैंडिडेट है इनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है घनश्याम तिवाड़ी, ठीक है, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, सुभाष चंद्रा। ये जो सुभाष चंद्रा है ये निर्दलीय खड़े हुए थे, हालांकि बीजेपी ने इनको समर्थन दिया था। तो सीटें 4 है लेकिन कैंडिडेट 5 है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको कह दिया। आरपीएससी की यही फितरत होती है, जो बोर्ड वगैरह ये जो आपके एग्जाम लेते हैं, चाहे आरपीएससी लेती है चाहे बोर्ड लेता है अधीनस्थ बोर्ड, उसकी फितरत यही है, उसकी थीम यही है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत कर देना। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्दलीय कौन खड़ा हुआ था, या आपसे पूछ लिया जाए कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो 5 थे, 5 कैंडिडेट थे लेकिन 4 सीटों के लिए, मतलब एक का हारना तो तय था। अब हारा कौन, सुभाष चंद्रा। क्लियर होगी सारी बात, ये है। और ये चारों जीत गए क्योंकि 4 तो जीत नहीं थे, जीत के लिए आवश्यक मत। अभी बताया आपको 41 न्यूनतम कोटा बोलते हैं, न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र मत भूल जाना, नोट कर लीजिए इसे। अब मैं बात करूंगा कि वो 4 कैंडिडेट कौन से जो जीते, हालांकि यहां बता दिए फिर भी इनके नाम ये ध्यान रखें। 4 सदस्य घनश्याम तिवाड़ी, ये बीजेपी के, हालांकि ये बीजेपी कांग्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं बनते क्वेश्चन। ये तीनों जो है ये कांग्रेस के हैं, ये तीनों कांग्रेस के हैं, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी। तो 4 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, टोटल 10 हो गए। तो 10 सीटें पूरी है। आपसे यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, कौन सा नहीं है कौन सा है, इसलिए 10 नाम याद कर लेना, ध्यान रखना। ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, इसलिए बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। 6 ये रहे और 4 ये रहे, घनश्याम तिवाड़ी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी। एक बार नोट कर, तो ये राज्यसभा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। भूल मत जाना,
आप सभी का स्वागत है 15 जून 2022 को त्रिवेणी पर। हम अपना नई ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो मेन ब्रांच है महेश नगर में है, राकेश मेहरा जी के क्लासेस, लेकिन अब त्रिवेणी में भी हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। फिलहाल इसका टाइम बाद में इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यही रहेगा, बाद में धीरे धीरे व्यवस्थाओं को कर दिया जाएगा। त्रिवेणी पे होगा। आप सबका स्वागत है, आप आइए, आपका वेलकम है। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये नहीं है तो एक नंबर मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैंने इससे संबंधित एक थंबनेल डाला है, आप उसे देख सकते हो। वहां पर भी एक नंबर है, उसकी भी जानकारी, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हो। तो आप सभी का स्वागत है 15 जून 2022 को। ये वेडनेसडे को है, बुधवार को। यहाँ पर हम खूब सारी बातें करेंगे और एग्जाम को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जीके क्या होता है, जीके जीएस क्या होता है, उन सब की जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि वर्तमान में 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। आसमान के नीचे जो भी है उसको पढ़ने की फितरत में लगा हुआ है, वो बेमतलब में ही पढ़े जा रहा है, और फिर जब मूल बातें आती है तो उनसे भटक जाता है। तो दोस्तों, इन सब की जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी। और नए सिरे से एक शानदार तरीके से हम ये बैच प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।